सौ बात की एक बात यह कि गाड़ियों पर स्टंट करने वालों को इतना ही खतरों से खेलने का शौक है तो उनके शौक पूरी तरह से ही पूरे कर देने चाहिए। आपदाओं में भेज दीजिए इनको, आग लग जाए कहीं इनकी ड्यूटी लगा दो दमकल के साथ मदद करने की, बाढ़ आ जाए तो लोगों तक तैर कर पहुंच जाए सामान लेकर। मजाक बना रखा है इन लोगों ने, अपनी जान की तो परवाह है नहीं, सड़क पर दूसरे लोगों की भी तो जान खतरे में डाल रहे हैं। चालान वालान कटने का तो डर ही नहीं लगता इनको, कोई एक जगह की बीमारी तो है नहीं है, हर राज्य के हर शहर में हो रहा है। जहां खुली खाली सड़क देखते हैं ये लोग आड़े तिरछे लटक कर स्टंट करने लगते हैं। सर्कस चल रही है क्या, सड़कों पर सर्कस चल रही है? इनको ना पुलिस का डर रहता है, ना अपनी जान जाने का डर है, ना दूसरों की जान खतरे में डालने का डर है। ट्रैफिक वाले कानून तो नॉर्मल लोगों के लिए हैं, ये नॉर्मल थोड़े ही हैं किसी भी एंगल से। इन पर तो कोई स्पेशल टाइप के कानून लगे तब सुधरें शायद। अगर सोशल मीडिया के लिए ही उनको जीना है तो इनकी सजा सोशल मीडिया से बाहर होने की ही शायद इन पर काम करे, कि ये कोई मोबाइल फोन नहीं रख पाएंगे, इनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बन पाएगा पकड़े जाने पर, ऐसा कोई जुगाड़ हो सके सजा का, तभी शायद सुधरें तो सुधरें। क्योंकि हर सड़क पर हर 100 मीटर पर तो पुलिस नहीं हो सकती, और वैसे भी तो पकड़े जाने पर ये फाइन वाइन से डरते हुए तो दिख नहीं रहे। आजकल तो सामाजिक बहिष्कार का नया रूप है सोशल मीडिया छीन लो, तड़पने लगते हैं लोग जैसे ऑक्सीजन की नली काट दी गई हो, या जिस सोशल मीडिया पर रील बनाकर ये लोग हीरो बनते हैं उसी सोशल मीडिया पर इनसे माफी मंगवाकर वीडियो डालने की सजा हो, उसी से शायद कुछ सबक सीखें ये लोग। नहीं तो बाकी लोगों को तो सड़क पर आजकल बाकी ट्रैफिक और आवारा पशुओं से बचते बचाते निकलना ही पड़ता है, इस वैरायटी के आवारा पशु भी खतरनाक होते जा रहे हैं। सौ बात की एक बात।